शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। राम सिंह, कलकत्ता पहुंचे तुम ट्रंक कॉल करवा लेना, और साधुराम तुम बेंगलोर जाओ और जाते ही भीम सिंह झवेरी से मिल लेना। जी सर। और देखो, तुम लोग बाकी सब बात अच्छी तरह जानते हो, आप रवाना हो जाओ। अच्छा सर। और एक बात, सब लोग होशियारी से जाना। ओके सर। अरे आप चलिए। ठहरो। क्या बात? बात यह है कि आज से यह माल वहां जाया करेगा जहां हम चाहेंगे। मतलब? मतलब ये कि आज से ना हम किसी के साथी हैं और ना किसी के पार्टनर। शेषनाग, जानते हो कि तुमने किसके साथ टकराने का ऐलान किया है? जानते हैं, जानते हैं, जानते हैं, लेकिन हमारा नाम शेषनाग है, जिसकी फुंकार में वो आग होती है जो पत्थरों को पिघलाकर पानी करती है। कमल, कैच हिम। दूंगा। ना 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 गूंगा, इसे नहीं मारना। सुनो सराफ, हम तुम्हें जिंदा सिर्फ इसलिए छोड़ रहे हैं कि तुम जाके अपने मालिक से ये कहोगे कि आज से शेषनाग ने अपनी हुकूमत कायम कर दी है। किसे कहोगे? दया शंकर नाम है मेरा। दया अगर क्रोध में बदल जाए तो लोग अपना नाम भूल जाते हैं। भूलने की बारी तुम्हारी है दया शंकर। बूढ़े शेर की हुकूमत ज्यादा दिन नहीं चलती। सिपाही की तलवार देखकर बादशाह की ताकत का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए बच्चे। ताकत का फैसला तुम्हारे दरवाजे पे होगा या तुम चलकर हमारे दरवाजे पे आओगे। इतना वक्त ही नहीं बचा है शेषनाग कि कोई कहीं आ जा भी सके। ओ गॉड, इस वक्त भगवान को नहीं दद्दू को याद करो। अगर बूढ़े शेर का धमाका पसंद नहीं आया तो दूसरा करूं? नहीं दयाशंकर, नहीं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। दद्दू, हम आपकी शरण में आ गए। आओ भैया। दद्दू, दद्दू, हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए दद्दू, माफ कर दीजिए। शेषनाग, बुढ़ापे में बाप की कमर झुक जाती है और बेटे का कद बड़ा हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि बेटा अपने बाप का बाप हो गया। दद्दू, हमें आपकी बेपनाह ताकत का अंदाजा नहीं था। नहीं, हम मामूली इंसान हैं, हमारी ताकत बेपनाह नहीं है। वो तो वो ऊपर वाला है जिसकी ताकत बेपनाह है। दद्दू के गांव से कोई राम रतन आए हैं। राम रतन आए हैं आपके गांव से? जुर्म के ऊंचे सिंहासन पर बैठे के खातिर तोहरे पिता एक एक सीढ़ी पर न जाने कितने कत्ल किए हैं। विष्णु,
तोहार बेटवा के आपन दामाद बनावे में हमरा के घमंड है, लेकिन दयाशंकर के पोता से हमरे बेटिया का कौनो संबंध नहीं हो सकता। काय संबंध नहीं हो सकत? वो अपने बेटवा से पूछो। बापू, हमें आज ही पता चला है कि बरसों पहले हम अपने बापू को खो चुके। तुम तो शहर के वो बड़े रईस हो ना, जिसने अपने काले कारनामों, खून और स्मगलिंग से न जाने कितने करोड़ों की दौलत इकट्ठा कर रखी है। हाँ, हम स्मगलर हैं, काला बाजार किया है और माल इकट्ठा किया है, मगर मगर बेटा कभी सोचा है कि ये कौन खातिर किया है? अपने औलाद के प्यार खातिर, तोरे खातिर बेटे? लेकिन बापू, तुम्हारी दौलत से ज्यादा रामधन का आदर्श कहीं ज्यादा अच्छा है। हम लोगों में अगर रत्ती भर भी प्यार है तो छोड़ दो काले कारनामों के। छोड़ दें? अपनी जिंदगी भर की मेहनत उठा के रास्ते पर फेंक दें, फिर भगीरे का प्याला उठाकर रास्ते पर भीख मांगते फिरे? इस पाप की कमाई से भीख मांगने का निवाला कहीं अच्छा है। इस काले कारनामों के गंदे रास्ते पर तुम्हारा बेटा कभी न चली, कभी न चली। अरे अरे सुन रे, अरे पगला गया है, अरे किसकी बात सुन रहा है? अरे हम तो बुढ़ापे में सठिया गए हैं, जवानी में सठिया गया है। एक ही आंखों पे राम रतन की झूठे आदर्शों की पट्टी बन गई, हमरी नहीं सुनेगा। लेकिन तू एक काम कर, बबुआ को लेकर हमरे संग चली आ जाएगा। चल बेटी। ससुर जी भूल गए, चोली से उतारते वक्त आप ही ने शिक्षा दी थी कि पति के चरणों में स्वर्ग होता है। हमें हमें आज भी वो शिक्षा याद है। ससुर जी रामरतन, आज तोरी बिछाई भी विसात में अपनी औलाद को हार कर जा रही हूं। और हमारी बात याद रखना है, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम अपने झूठे आदर्शों की लाश उठाए किसी हमरे जैसे आदमी के दरवाजे की चौखट पर माथा रगड़ कर भीख मांगोगे और तुमको नहीं मिलेगी। काहे कि कलयुग है और कलयुग में तुझ जैसे झूठे आदर्श वालों को सिर्फ ठोकर मिलती है और कुछ नहीं। जयशंकर की इस बात को याद रखना, याद रखना। अरे भाई तीन चाय बनाना। ए, वो देखो हमारा दुश्मन यहाँ कहाँ? अरे भाई तुम इस आदमी को जानते हो? हाँ जी, ये जयशंकर पास के गांव में इसका बेटा और बहू रहते हैं। 15 साल के बाद उनको मिलने के लिए आया है। जयशंकर के बेटे हो? हाँ। सत्यवादी रामरतन इस हत्यारे दयाशंकर के द्वार पे कैसे? पड़ोस के गांव के ठाकुर विक्रम सिंह ने हमार बेटी के साथ बलात्कार किया है दयाशंकर बाबू। कोनो नई बात नहीं है रामरतन, ये तो इस दुनिया का उसूल है कि गरीब की इज्जत अमीर के पैरों तले रौंदी गई है। अरे हमार बसंती ने आत्महत्या कर लिया है। एक कायर बाप की बेटी और कर भी खा सकती है। तुम मुझसे बहुत नाराज हो मैं जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी अदालत में एक प्रार्थना लेकर आया हूँ। राम रतन, ये कलयुग है और इस कलयुग में सतयुग के विचारों का प्रचार मत करो। कलयुग की लौ में समा जाओ, सारे दुख खुद बखुद जलकर खाक हो जाएंगे। मैं तुम्हारी सब बातों को मानता हूँ दयाशंकर बाबू। आप मानते हो? अब मानते हो राम रतन? और देर में बुद्धि आई तुमको, उस वक्त तुमको विचार नहीं आया जब जब मेरे बेटे को तुम गुमराह कर रहे थे। उसे कहा कि मैं गलत रास्ते का मुसाफिर हूं, मेरे साथ न दे। अपने आदर्शों का चश्मा उसकी आंखों पर चढ़ा दिया। वो बगावत कर बैठा और ये भूल गया कि जिसके खिलाफ वो बगावत कर रहा है उसका अपना बाप है, उसका अपना खून है। मैं बहुत शर्मिंदा हूं दयाशंकर बाबू। खैर,
हमने तो बेटा गंवाकर बेटे का बेटा पाया, मगर तुमने क्या पाया? नहीं दयाशंकर बाबू, नहीं, मेरी बेटी की आत्मा तोरा से इंसाफ मांग रही है। राम रतन, जो हमारा लोहा मान लेते हैं वो हमें नाम से नहीं बल्कि दत्तू कहकर पुकारते हैं। मुझे हुकूमत मंजूर है, मुझे इंसाफ चाहिए दद्दू, इंसाफ चाहिए। ए बबुआ, बबुआ नाम है हमारा। नाम हम सुन चुके, काम हम देख चुके, अब करने क्या आया है भैये? इंसाफ। इंसाफ? हाँ, हम शहंशाह जहांगीर तो नहीं, लेकिन हमारा इंसाफ उससे कम भी नहीं होता विक्रम सिंह। बहुत अच्छे शहजादे, बहुत अच्छे। लगता है तूने अपना हाथ किसी जोशी को नहीं बताया, वरना विक्रम सिंह की हवेली की तरफ आने की जुर्रत नहीं करते। हम हाथ की लकीरों से ज्यादा अपने हाथ की ताकत पर भरोसा रखते हैं विक्रम सिंह। राम रतन की बिटिया ने स्वर्ग से हमारे इंसाफ को पुकारा है और हम यहां फैसला करने आए हैं। फैसला? और विक्रम सिंह से? शायद तुझे पता नहीं भैये, कलियों को फूल बनाना हम ठाकुरों का पुश्तैनी शौक है। तेरी कोई बहन? लगता है तूने अपनी मौत का मुंह नहीं उजागर। शेर अपना शिकार खुद मारकर खाता है। उजागर,
नहीं। इस मर्द को इस लायक बना दो कि आइंदा किसी मासूम लड़की की इज्जत लूटने के काबिल ना रहे। यह है उजागर सिंह, गैंडे किसी ताकत वाला आदि मुजरिम और कातिल। यह है वकालत की दुनिया में सबसे ज्यादा फितरती और शातिर दिमाग देवीलाल, संगठन का परमानेंट वकील। और इनसे मिलिए मिस्टर सराफ, कहने को फाइव स्टार होटल का मालिक लेकिन सोने चांदी हीरे जवाहरात की स्मगलिंग का सरगना। और यह है मिस्टर पीसी, अपने शहर के हर जुए खाने, शराब खाने, चंडू खाने से अपने हिस्से की बोटियां नोचने वाला। और यह है शेषनाग, वैसे तो कपड़े की मेल और ट्रांसपोर्ट कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है लेकिन अपने नाम की तरह ही जहरीला। और इसके बॉडीगार्ड के तौर पर यह गूंगा, जो मुंह से तो नहीं बोल सकता लेकिन अपने हाथों से दुनिया की हर भाषा बोलता है। ये छोटे बड़े नदी नाले जिस समंदर में जाकर मिलते हैं उसका नाम है दादू। असली नाम दयाशंकर है, जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह। एलानिया कहता है कि सट्टे बाजार में चलने वाले सिक्कों को कोई भी चश्मा लगाकर देखो, उसमें इसी की तस्वीर दिखेगी। हर मुजरिम और जुर्म का सिरा इसकी चौखट तक तो पहुंचता है मगर उसके बाद ना जाने कहां गुम हो जाता है। लेकिन अब ये संध्या का सूरज है और इस ऑर्गेनाइजेशन का उभरता सूरज है। इसका पोता बजरंग हाथी की ताकत, लोमड़ी की चालाकी और चीते जैसी फुर्ती का मालिक है। दादू की जगह संभालने के लिए इसे हर तरह की ट्रेनिंग दी गई है। यह ऑर्गेनाइजेशन इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड है कि हम 10 साल के बाद भी किसी की गर्दन पे हाथ नहीं डाल सके। लिहाजा दिल्ली से एक सीबीआई ऑफिसर तैनात किया गया है जो बहुत जल्द हमारी मदद के लिए यहाँ आने वाला है। और उसने हमें खबर दी है कि कैलाश, जो रेसिस का जॉकी है और इन लोगों के लिए रेसिस में हेरा फेरी करता है, अब इनसे टूट कर अपनी महबूबा के साथ हिंदुस्तान से बाहर जाने की कोशिश में है। जेंटलमैन, अगर हम इस आदमी को काबू में लाकर सरकारी गवाह बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो दादू के फौलादी किले में हम बारूद बिछा सकते हैं। इसका नाम याद रखिएगा, कैलाश। अनिता, तुम्हें यहाँ आते किसी ने देखा तो नहीं? मगर हम जा कर रहे कैलाश, यहाँ से कराची और वहाँ से कैसे? लॉन्च तैयार है वो सामने। मगर कैलाश, अपने देश से दूर जाकर हम खाएंगे क्या? इस बैग में 2 करोड़ रुपए हैं, काफी है जिंदगी भर के लिए। बजरंग, तुम? ये किसी रेस के घोड़े की लगाम नहीं है कैलाश, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रुपए हैं। बबुआ के होते हुए कोई नाखून की मैल भी चुरा कर ले जाए ये मुमकिन नहीं। हमसे भूल हो गई। ये भूल नहीं, गद्दारी है कैलाश, और गद्दारी की सजा है मौत। नहीं नहीं बजरंग, प्लीज हमें जाने दो। हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे बजरंग, प्लीज हमें जाने दो। मैं तुम्हारी मौत हूं कैलाश, अगर जिंदा बचकर जाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी मौत को मारना होगा। अगर मुझे हटाकर जा सकते हो तो जाओ। सोचते क्या हो कैलाश, उठाओ रिवॉल्वर और चला गोली। उठाओ रिवॉल्वर कैलाश, उठाओ रिवॉल्वर, उठाओ रिवॉल्वर, उठाओ रिवॉल्वर। चला गोली। किसी औरत पर हाथ उठाना बजरंग के उसूलों के खिलाफ है, इसलिए कान खोलकर सुन लो। तुम्हारी आंखों ने ना कुछ देखा है ना तुम्हारे कानों ने कुछ सुना है,
यूं समझ लो आज की रात तुम्हारी जिंदगी में आई ही नहीं। याद रखना आज एक औरत के खून का पाप भी मजबूरन अपने सर लेना पड़ा। बैग उठा लो। जागर सिंह लाशों को ठिकाने लगा दो। मंगलवार 25 जनवरी 1952 में पैदा हुआ। बाप का नाम सौदागर सिंह, शहर रामपुर, मोहल्ला काजियां, मकान कादर बिल्डिंग। ठीक है ठीक है ठीक है साहब, ठीक है ठीक है। हजार बार तुम पूछ चुके हो, हजार बार बता चुका हो, ठीक है। और हजार बार मैं पूछूंगा और हजार बार तुम जवाब दोगे। साहब मैं पूछता हूँ, मेरी जमानत का नहीं हो रही? कैलाश के खून के अलावा और किसने जुर्म किए तुमने? गिनवाओ। हमने कोई जुर्म नहीं किया साहब। चार दिन साहब का सोने नहीं दिया, आपको सोने दो। 21 की उम्र में पहला खून। चलती हुई गाड़ी से नदी में एक हाथ ही गिर गया। गाड़ी के उस टिब्बे में तुम भी थे। नहीं, नहीं। दूसरा खून हरिराम चौधरी। तीसरा खून अब्दुल हफीज कारदार। चौथा डेविड ब्राउन। पांचवा जुर्म, खिड़कियां दरवाजे बंद करके प्रदीप प्रसाद उसके सारे बच्चों को जिंदा जला दिया। मैं पूछता हूं तूने क्यों किया? ये सब झूठ है। चल। ये सच है, तुम्हारे खिलाफ सबूत नहीं है, लेकिन ये सारे जुर्म तुमने किए। तुमने तुम गलत आदमी को पकड़ लियो साहब। हमका जुना किया, हमका छोड़ दो। और अब कैलाश का खून? कैलाश का खून हमने किया साहब। तो फिर किसने किया कैलाश का खून बताओ? हमको तो बजे को नहीं जानते हैं सरकार। जानते हो, जानते हो, जानते हो, जानते हो, जानते हो। इंस्पेक्टर, इसे होश में लाओ। यस सर। और जगाए रखो। राइट सर। मेरा नाम रवि मल्होत्रा, सीबीआई ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। फरमाइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप इस शख्स को जानते हैं? जी नहीं। कौन है आपका भाई? नहीं, आपका भाई। और शायद इसे तो आप पहचानते होंगे। आप कैसे ऑफिसर हैं? अभी तक इन बनावटी तस्वीरों के चक्कर में उलझे हुए हैं? अरे ऐसी तस्वीरें तो बाजार में बहुत मिलती हैं, जिनमें किसी का सर है, किसी का धड़, किसी का ये, किसी का वो। ये ट्रिक बहुत घिसी पिटी है। आप अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, कानून अंधा जरूर है, लेकिन उसकी पहुंच, उसकी ताकत बेपनाह है। बेपनाह ताकत का मालिक तो सिर्फ ऊपर वाला है मिस्टर मल्होत्रा, लेकिन आप शायद बजरंग की ताकत को नहीं जानते। उजागर की जबान खुलने दीजिए, वो अभी जान जाएंगे। मिस्टर मल्होत्रा, आप एक सरकारी नौकर हैं और इस वक्त सरकारी वक्त के साथ साथ एक शरीफ आदमी का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। गुड डे। मिस्टर बजरंग, आप लोगों को सिखाया जाता है मुंह बंद रखना, हमने सीखा है मुंह खुलवाना। जिस दिन उजागर की जबान खुलेगी आपकी बंद हो जाएगी। ए ए साहेब बहादुर, बबुआ को कभी धमकी मत देना। तुम भी ललकारने की कोशिश मत करना, वरना क्या? बबुआ ना बेटा ना, गांधी के देश में हिंसा की बात उचित नहीं है। कौन हो भाई? सीबीआई ऑफिसर रवि मल्होत्रा। राम राम राम,
कानून के मुहाफिज होकर गैर कानूनी बात अच्छा लगता है क्या? तुम गलत जगह आए हो बेटा, हम दद्दू हैं। जानता हूं। क्या जानते हो तुम? बाबा, जवानी की जोश को काबू में रख। जिंदगी में कभी अगर कोई बिगड़ी हुई बात बनाई क्या हो तो जवान और ताकत से नहीं, बुद्धि से काम लियो, बहुत काम की चीज है। सुना नहीं आइटम बम कोई ताकत से नहीं बना रहा, बुद्धि से बना रहा, बुद्धि से। तुम जिसकी जान बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल रहे हो वो तुम्हें पहचानने तक के लिए भी तैयार नहीं। तुम्हारे माथे पर गुनाहों की इतनी लकीरें हैं कि अब तुम कानून के शिकंजे से अपने आप को बचा नहीं पाओगे। आज नहीं तो कल कटहरे में खड़े होकर तुम सच बोलोगे और जिस दिन ऐसा हुआ फांसी का फंदा सिर्फ तुम्हारे गले में ही नहीं बजरंग के गले में भी होगा। यह बात बजरंग अच्छी तरह से जानता है और वो उस दिन का इंतजार नहीं करेगा। वो कहीं भी कभी भी तुम्हें मरवा डालेगा। अकल से काम लो जागर, अकल से। अगर तुम सरकारी गवाह बनोगे तो हम तुम्हें फांसी के फंदे से बचाएंगे, बजरंग की गोली से बचाएंगे और तुम्हारी पूरी हिफाजत करेंगे। अब तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं, हम तुम्हारी निगरानी सख्त से सख्त तरह से करेंगे। अब हम गवाही देंगे, सब सच सच बता देंगे साहब। वेल डन गणपत माने। थैंक यू सर। कहीं गोली तो नहीं लगी? आपका निशाना कभी गलत हो सकता है सर। गोली पिस्तौल पे लगी लेकिन हाथ बच गया। आइए प्रताप नारायण जी, उजागर का मुंह खुल गया है, जाइए बयान ले लीजिए उससे। मुबारक हो ऑफिसर, बहुत बहुत मुबारक हो। अब बजरंग कानून के शिकंजे से बच नहीं पाएगा। जी वो नहीं सकेंगे जो मेरे बजरंग के सांसों को कैद करना चाहते हैं, जो मुझसे मेरा कलेजा छीन कर मुझे जीते जी मार डालना चाहते हैं। मैं उन सबको मिटा डालूंगा, उन सबको नेस्त नाबूद करके रख दूंगा, पता भी नहीं चलेगा उनका। अखिल बाबू, तुम सिर्फ इतना करोगे, उजागर तक पहुंचने की कोशिश करो। पुलिस स्टेशन पर इतना सख्त पहरा है दादू कि उजागर तो क्या उसके साए तक पहुंचना मुश्किल है। वकील बाबू, ये काम मुश्किल है या नामुमकिन है? नामुमकिन जैसा ही है। नहीं, नेपोलियन ने कहा है कि इस संसार में कोई काम नामुमकिन नहीं है और हमें उसकी बात पे पूरा विश्वास है। मेरा नाम भावना भरद्वाज है और मैं एडवोकेट ब्रह्म प्रकाश भरद्वाज की इकलौती बेटी हूँ। हिंदुस्तान के जाने माने सरकारी वकील प्रताप नारायण सिंह की असिस्टेंट हूँ और आज पहली बार अदालत में हाजिर होने जा रही हूँ ऑनर। अरे पापा, आपकी आंखों में आंसू? बहुत दिनों से ये आंखें सूखी थी ना, आज तेरी खुशी के बहाने गीली हो गई है। भगवान तुझे कामयाब करे बेटी, भगवान तुझे कामयाब करे। झूठ की दुनिया में सच को जगाने जा रही है प्रभु, मेरी बेटी की सहायता करना। कानून की सहायता कर रहा है उजागर सिंह योर ऑनर, लिहाजा अदालत से मेरी दरखास्त है इसके खुद के जुर्मों में हर मुमकिन कानूनी रियायत बरती जाए। प्रोसीड। थैंक यू ऑनर। उजागर सिंह, तुम मिस्टर बजरंग के लिए काम क्या करते हो? हम बजरंग के कारोबार में इनकी मदद करते हैं साहब। कारोबार? क्या कारोबार है इनका? ये पूछा साहब से कहा नहीं करते। भी कुछ तो बताओ। बोलो। बंदरगाह पर सामान की ढुलाई से लेकर साहब बड़े बड़े होटल चलाते हैं जी, सारे जुआ खाने, शराब खाने, सट्टा बाजार, रेस, सब काम करते हैं। बड़ी बड़ी मिल, ट्रांसपोर्ट कंपनियां, हीरे जवाहरात, सोना चांदी की स्मगलिंग,
हर काम में साबित नहीं कहा। इन तमाम कामों में तुम मिस्टर बजरंग की किस तरह से मदद करते थे? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, इन सवालात का मौजूदा मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं। योर ऑनर, अगर मुलजिम के गुनाहों को तफसील से बयान न किया गया तो यह कैसे पता चलेगा कि आज मुलजिम के सर पे जो कामयाबी का ताज है उसमें कितने गुनाहों के मोती जड़े हुए हैं? यू मे कंटिन्यू। थैंक यू योर ऑनर। हाँ तो उजागर सिंह, जिस मौके वारदात पर तुम पकड़े गए वहां मिस्टर बजरंग मौजूद थे? जी वो वारदात तुमको याद है? जी। बयान करो। साहेब, 27 अगस्त की रात को कैलाश अपनी महबूबा के साथ बहुत सारा रुपया लेकर हिंदुस्तान से बाहर भाग रहा था। फिर बजरंग मुझे अपने साथ लेकर वहां पहुंच गया जहां से कैलाश और उसकी महबूबा भाग रहे थे। फिर बजरंग ने कैलाश को माथे पे गोली मार दी। यानी कि मिस्टर बजरंग ने तुम्हारी आंखों के सामने कैलाश की हत्या की? जी हां, बजरंग ने कैलाश की हत्या मेरी आंखों के सामने की। लेकिन क्यों? क्योंकि कैलाश हमारे संगठन के कई राज जानता था और अपना मुंह कभी भी खोल सकता था, इसलिए उसका मुंह बंद करना जरूरी था। That's all, Your Honor. Your witness. Thank you, Mr. Pratap Narayan. Your Honor, लंच ब्रेक में सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं। अगर मैंने अपनी जिरह शुरू की तो मेरे सवालात का सिलसिला बिखर जाएगा, इसलिए मेरी अदालत से दरखास्त है कि मेरा क्रॉस एग्जामिनेशन लंच के बाद हो। मिस्टर प्रताप नारायण, एनी ऑब्जेक्शन? नो ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मिस्टर देवीलाल, आपकी दरखास्त मंजूर की जाती है, अदालत 2 बजे तक बर्खास्त की जाती है। थैंक यू योर ऑनर। लगता है इस बार बजरंग नहीं बच पाएगा। प्रताप नारायण ने बहुत अच्छी जिरह की। इट्स अ हॉट स्टोरी। देखिए देवीलाल क्या करता है। दरवाजा बंद कर लो। सर, बजरंग के खिलाफ सारे सबूत आपको कहाँ से मिले? इस केस के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? आप मिस भावना भरद्वाज हैं? जी। प्रताप नारायण जी ने कहा है कि ये लिफाफा उजागर को दे दो और उससे कह दो कि इसमें लिखी हुई बातें गौर से पढ़ ले, क्योंकि देवीलाल इस केस को उधेड़ने की पूरी कोशिश करेगा। अरे आप मेरा मुंह क्या देख रही हैं? फुर्ती कीजिए, प्रताप नारायण जी ने कहा है। जी। कौन है आप? अंदर कैसे आए? जी वो जारद वैन है, सरकारी वकील की असिस्टेंट है। प्रताप नारायण जी ने कहा है इसमें लिखी बातों को अच्छी तरह पढ़ लो और अपनी याददाश्त ताजा कर लो। घूर क्या रही हो? अपनी बच्ची और पत्नी को भूल गए क्या? जवाब दो उजागर सिंह, क्या ये वही आदमी है जिसने तुम्हारी आंखों के सामने कैलाश का कत्ल किया? नहीं, मैंने कोई कत्ल होते नहीं देखा, मैंने किसी को कत्ल करते नहीं देखा। क्या भगते हो उजागर सिंह? मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, प्लीज सिट डाउन। मिस्टर प्रताप नारायण सर, हम अपना बयान बदलना चाहते हैं। क्यों 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 बदलना चाहते हो तुम अपना बयान? इसलिए कि पहला बयान झूठा था। वो बयान झूठा नहीं था, झूठा ये बयान है जो आप दे रहा है। तुम तो होश में नहीं हो। अरे हम बिल्कुल होश में है साहब, हम पहले होश में नहीं थे, अब बिल्कुल होश में। तो तुमने पहला बयान क्यों दिया था? वो इसलिए दिया था क्योंकि पुलिस ने आपको बहकाया था और आपने साक्षी की फोटो दिखा के हमको धमकाया था। योर ऑनर, गवाह बाकी हो गया है, मैं इंतजार करता हूं कि अदालत को कुछ देर के लिए मुलतवी किया जाए। और योर ऑनर, मैं आपके चैंबर में इससे कुछ बात करना चाहता हूं। योर ऑनर, मेरी गुजारिश है
कि वो बातचीत मेरी मौजूदगी में हो। थोड़ी देर के लिए अदालत की कार्रवाई मुलतवी की जाती है। घबराया जीन बबुआ। तो दद्दू घर चलाएं? चला, बाकी सब कुछ तो वकील साहब संभाल लिए हैं। चला। बजरंग का ये पैगाम तुमने उजागर सिंह तक क्यों पहुंचाया? एक खूनी को तुमने कानून के शिकंजे से क्यों निकल जाने दिया? क्यों क्यों? जज साहब आप मेरा विश्वास कीजिए, इन्हीं के आदमी ने दिया था। अब वो आदमी हवा में गायब हो गया, गुम हो गया कहीं। मैं पूछता हूँ तुमने कितनी रिश्वत ली है इसके लिए बजरंग से? रिश्वत? मैंने कोई रिश्वत नहीं ली। आप खाम का इल्जाम लगाए चले जा रहे हैं। मोहतरमा ये अभी पहला मौका है, जिंदगी भर जेल की चक्की पीसते पीसते बुढ़िया हो जाओगी। बजरंग से ली हुई रिश्वत मैं तुम्हें हजम नहीं करने दूंगा। जज साहब क्या इस बहस का कोई नतीजा निकल सकता है? मैं तो कहता हूँ कि मेरे मुअज्जिज दोस्त आपका मेरा और सबका समय बर्बाद कर रहे हैं। ठीक कह रहे हैं आप। मिस्टर प्रताप नारायण, चश्मदीद गवाह का बयान बदलने से आपका मुकदमा तो खुद ब खुद खारिज हो जाता है। जज साहब मेरे मुकदमे पे तो कब की मिट्टी फिर गई। थैंक यू सर। थैंक यू प्रताप नारायण, थैंक यू वेरी मच। जज साहब मेरी आपसे दरखास्त है कि इस लड़की को फौरन से पेशतर गिरफ्तार कर लिया जाए। इसने कानून को धोखा दिया है, चश्मदीद गवाह को गुमराह किया है इस लड़की ने। इनमें से आप एक भी इल्जाम साबित नहीं कर सकते क्योंकि सब झूठ है। मुझे मेरी बेवकूफी का कसूरवार जरूर ठहराया जा सकता है, लेकिन मैंने रिश्वत देकर कानून को धोखा नहीं दिया, कोई गलत काम नहीं किया है। फिर झूठ बोल रही है जज साहब, फिर झूठ बोल रही है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बार काउंसिल से परमिशन लेकर इसका लाइसेंस जब्त कर लिया जाए ताकि ये कभी जिंदगी में वकालत न कर सके। लेकिन मिस भावना भरद्वाज, सरकारी वकील ने आप पर रिश्वत लेकर कानून को धोखा देने का संगीन इल्जाम लगाया है। इसकी तहकीकात होगी, तब तक आप वकालत नहीं कर सकती। ऐसा मत कीजिए योर ऑनर, मेरे पापा। आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू सर। सुनिए सुनिए भानु जी, आप बजरंग को कब से जानती हैं? क्या वाकई आपने रिश्वत ली है? रिश्वत नहीं ली है तो क्या आप बजरंग से शादी करना चाहते हैं? कमेंट तो देखे जाइए। तो ये खबर तुम तक पहुंच गई पापा? लेकिन मैं निर्दोष हूँ पापा, मेरा विश्वास करो, वो सब झूठे हैं। पापा पापा तुम कहते हो ना कि जीत हमेशा सच की होती है। पापा सच ये कि मैंने कोई अपराध नहीं किया, कोई रिश्वत नहीं ली। मेरा विश्वास करो पापा, मेरा विश्वास करो। कह दो ना पापा कि तुमको अपनी बेटी पे पूरा विश्वास है। कह दो ना पापा। पापा पापा नहीं नहीं पापा पापा नहीं पापा, तुमको भी तो सुना कि तुम्हारा अपनी बेटी पर कोई विश्वास नहीं था। झूठ का सच की है कीमत कितनी, देखना चाहो तो बाजार में आके देखो। हो फलसफों से कहां आती है समझ में हटा के देखो। ताकत है जिसके पास, ताकत है जिसके पास, अदालत उसी की है। ताकत है जिसके पास, अदालत उसी की है। दौलत है जिसके पास, अरे दौलत है जिसके पास, शराफत उसी की है। दौलत है जिसके पास, शराफत उसी की है।
सताएगी, दुनिया से घर जलोगे तो दुनिया सताएगी, जितना कोई दबेगा ये उतना दबाएगी, और जितना कोई दबेगा ये उतना दबाएगी, तुम सर उठाओगे तो ये सर को झुकाएगी, सर को उठा के जो चले, सर को उठा के जो चले इज्जत उसी की है, सर को उठा के जो चले इज्जत उसी की है, ताकत है जिसके पास अदालत उसी की है। फरेब गरीबी है एक गुना, अरे जिस दिल में हौसला है, हौसला जिस दिल में हौसला है वही दिल है बेपनाह, बेपनाह 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 बेपनाह, जिस दिल में हौसला है वही दिल है बेपनाह, कोई फकीर है ना यहाँ कोई बादशाह, अरे हिम्मत है जिसके पास, हिम्मत है जिसके पास हुकूमत उसी की है, हिम्मत है जिसके पास हुकूमत उसी की है, ताकत है जिसके पास अदालत उसी की है। जो खुद बनाए किस्मत जो खुद बनाए ये किस्मत उसी की है, किस्मत जो खुद बनाए ये किस्मत उसी की है, ताकत है जिसके पास अदालत उसी की है। खुद उठा ले, हाँ हाँ जो बढ़ के खुद उठा ले ये दौलत उसी की है, जो बढ़ के खुद उठा ले ये दौलत उसी की है,
ताकत है जिसके पास अदालत उसी की है, ताकत है जिसके पास अदालत उसी की है। यस आई एम सॉरी, दरअसल किससे मिलना आपको? मिस भावना भारद्वाज से। मैं रवि मल्होत्रा हूँ, सीबीआई ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। बजरंग वाले केस के सिलसिले में कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। तशरीफ लाइए। थैंक यू। क्या देख रहे हैं आप? यही कि बजरंग से मिले रिश्वत के पैसों से मैंने सोने चांदी की ईंटें खरीदकर कौन सी दीवार में छुपाकर रखी है? हाँ, सवाल मुझे पूछने हैं, आपको नहीं। सवाल पूछने की बजाय वारंट क्यों नहीं ले आए आप? खैर पूछिए। पहले आप अपने माथे से 101 बल मिटाइए। लड़कियां अपने चेहरों को खूबसूरत बनाने के लिए न जाने कितने कितने जतन करती हैं, और आप अपने खूबसूरत चेहरे को खामखा बिगाड़ रही हैं। आप खूबसूरती पे लेक्चर देने आए हैं या सवाल पूछने? पूछता हूँ। ये नाश्ता आपके नौकर का है? जी नहीं, मेरा रात का खाना है। लेकिन एडवोकेट प्रताप नारायण का कहना है कि आपके सरकारी वकील साहब ये समझते हैं कि मैंने बजरंग से लाखों रुपया लेकर इस ताजमहल पे खर्च कर दिए हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ कहाँ खर्च कर दिए। आइए, यह है मार्बल और चंदन का बाथरूम जिसमें हीरे छुपा कर रखे हैं मैंने, देख लिया? आइए और दिखाती हूँ मैं। और यह हमारा भंडार घर, रसोई घर। अब हम रोटी गेहूं के नहीं खाते, सोने चांदी की खानी शुरू कर दी है। आइए, आज 3 महीने से इस ताजमहल का किराया नहीं दिया गया। अरे मुंह क्या देख रहे, निकालिए हथकड़ियां लगाइए। मैं मानती हूँ कि मैंने एक बेवकूफी का काम किया है, लेकिन किसी भी कानून में नहीं लिखा है कि बेवकूफ को कोई सजा मिले। अब आपके मन में जो आए कीजिए, लेकिन इसी वक्त यहाँ से दफा हो जाइए और मुझे मेरे हाथ पर छोड़ दीजिए। माफी चाहता हूँ, बगैर इजाजत बैठ गया था। मैंने आपको जाने के लिए कहा था। गया तो था लेकिन भूख वापस ले आई। क्या समझ लिया इस घर को, होटल? लगता है आपका गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ। होगा भी नहीं। आप मुझे कसूरवार ठहराना चाहते हैं, शौक से ठहरा लीजिए। ना तो मैं आपको कसूरवार ठहराना चाहता हूँ और ना ही मैं इस इरादे से यहाँ आया हूँ। कानून ने ड्यूटी लगाई है कि मैं तहकीकात करके सच्चाई की जड़ तक पहुंचूं, और इसके लिए आपकी कहानी या आपकी जबानी सुनना बहुत जरूरी है। देखिए मिस भावना, कानून की आंखों पर पट्टी जरूर है लेकिन अकल पर नहीं। एंड रिमेंबर वन थिंग, हर आदमी प्रताप नारायण नहीं होता। क्या कहा तुमने? मैंने अर्ज किया है कि भावना पर जो भी इल्जाम लगाए गए थे वो सरासर बेबुनियाद हैं। भावना बजरंग के जाल में फंसाई गई थी। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? उसने रिश्वत लेकर बजरंग को फांसी के फंदे से बचाया है। मैं उसे जिंदगी भर चैन से नहीं रहने दूंगा। मिस्टर प्रताप नारायण, जो सच था वो मैंने अपनी रिपोर्ट में लिख दिया है और बार काउंसिल से सिफारिश भी कर दी है। देखो पापा, अपनी आंखों से देख लो, तुम्हारी बेटी बेगुनाह है। उसने किसी पापी का साथ नहीं दिया पापा, नहीं दिया। काश आपने आज के दिन का इंतजार किया होता पापा। ऑर्डर ऑर्डर, नो क्राइंग। ये पहली अदालत है जिसमें मुजरिम के बजाय वकील को रोते हुए देख रहा हूँ। ये सब आपकी वजह से हुआ है, मैं जानती हूँ। अगर आपकी जगह कोई प्रताप नारायण जैसा होता तो पता नहीं क्या हो जाता। जो हो गया उस पर खुश होने के बजाय जो नहीं हुआ उस पर रो रही हो। मैं कहाँ रो रही हूँ, मैं तो खुश हूँ। ये खुशी है?
तो ठीक है, फिर हम भी खुश हो जाते हैं। जूलियट, ऑफिस के लिए जगह खाली है। दास बिहारी ब्रह्मचारी में मे आई कमेंट प्लीज? कमेंट। हेलो जी, दास बिहारी ब्रह्मचारी स्पीकिंग। हाँ जी, देखिए मेरे पास समय नहीं, मैं बहुत बिजी आदमी हूँ। हाँ, क्या कहा हैं? आपके पति किसी प्रिंट के साथ भाग गए तो आप ही ढूंढ लीजिए ना। देखिए बाहर जो हेलो हेलो जी, देखिए मैं 2-5 हजार का काम नहीं करता। हाँ, आपको क्या तकलीफ है आपके मुंह में? मेरे मुंह में तकलीफ? हेलो, आप 1 घंटे के बाद फोन कीजिएगा। 1 आना 100 बीमार। अब अपने रोमांस की बात करेंगी है? वही जो हमेशा होता है बिगनिंग में, आई लव यू लव यू, आई हेट यू हेट यू, आई लव यू लव यू। बाहर वो जो हाँ मैं देख रहा हूँ जी, बहुत देर से देख रहा हूँ, बच्चा नहीं हूँ। हाँ, अरे उम्र गुजर गई देखते हुए। हाँ, ये क्या हुआ आपके मुंह में? खाक खाई, उड़ गया ना ढक्कन। अरे हजार बार कहा था बेटा ओवर एक्टिंग मत किया करो, लेकिन सुनते थोड़ी हो, करो और करो। बहन जी, आप किसी जासूसी कंपनी से हैं? कोई जेम्स बॉन्ड? देखिए बाहर वो जो दफ्तर के बारे में बोर्ड लगा हुआ है ना, वो ले रहा। ये मेज? हाँ, और इसके साथ ये कुर्सी और 150 रुपया महीना किराया। बिहारी भैया, 3 महीने होने को आए और एक भी क्लाइंट नहीं आया। 3 महीने से आपका किराया भी नहीं दिया मैंने। किराया? हुँ? कहती हो भैया और बात करती हो किराए की। बैठो। देखो मेरी बहन, रही बात क्लाइंट की, ऊपर वाला बहुत बड़ी चीज है, आज नहीं तो कल कोई ना कोई क्लाइंट जरूर आएगा। हा? अरे भाई दास बिहारी। अरे बाबा आप, क्या हाल है आपके मुंह में? आइए आइए। आहा, सारे जहां का दर्द इनके जिगर में है। किसी की बीवी खो जाए, किसी का पति खो जाए, किसी का बेटा खो जाए, बस बाबा परेशान। इसीलिए मैंने इनका नाम रख दिया है परेशान बाबा। और बाबा ये है मेरी छोटी मुंह बोली बहन भावना भरद्वाज। नमस्ते। अल्लाह सब पे मेहरबान रहे। दास बिहारी, हमारे एक अजीज 14 बरस से कत्ल के जुर्म में जेल काट रहा। जब उनकी रिहाई का वक्त आया तो उनके हाथ से एक और कत्ल हो गया। इस बार वो बिल्कुल बेकसूर है। अकबर लाला है मेरा नाम। मेरा नाम भावना है, मैं वकील हूं तुम्हारी। दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से। लाला हंसते हंसते फांसी चढ़ जाएगा, लेकिन कभी किसी जलील औरत का एहसान नहीं लेगा। एक औरत की बेवफाई का मतलब ये नहीं लाला कि दुनिया की हर औरत बेवफा और बदचलन है। औरत नाम ही है बेवफाई का, तबाही का, हर झगड़े फसाद की जड़ है औरत। अरे आदम को तो जन्नत से भी निकलवा दिया था कमबख्त औरत ने। हाँ, 3 पैगंबरों को जन्म देने वाली औरत ही थी, तुम्हें जन्म देने वाली भी तो एक औरत ही थी, क्या वो भी बदजात और बदचलन? खामोश, बदचलन औरत, बदजात, कसम खुदाए पाक की, अगर ये सलाखें ना होती तो तू मेरी माँ के बारे में ऐसे अल्फाज कहने के बाद यहाँ से सुनना नहीं चाहती। तुम वैसे दरिंदे और कर भी क्या सकते थे? छोटू जैसे मासूम इंसान का कत्ल करके तुमने? हाँ मासूम, वो एक छोटू हरामखोर मासूम, एक मासूम मेरी बीवी और एक मासूम वो खबीस की औलाद यूसुफ खान जलन और एक मासूम तू। दबाओ यहाँ से। मेरी तरफ देखे बगैर मेरी बात ध्यान से सुनो। कौन हो तुम? जग्गू, कैदी नंबर 432। अकबर लाला बेकसूर है। तो फिर तुमने पुलिस को बयान क्यों नहीं दिया?
जेलर के डर से। इस हादसे में जेलर का क्या हाथ है? जेलर की छह परी तो छोटू ने अकबर लाला पर छुरे से वार किया। छुरे से वार? अगर मेरी बात का यकीन ना हो तो जेलर साहब की मेज के नीचे रखे हुए बक्स में देख लीजिए, वो नुकीला छुरा वही है। आप अकबर लाला को बचा लीजिए, वो बहुत नेक आदमी है। आइए मिस भावना, मौका वारदात पर कोई खास बात मालूम पड़ी? जी नहीं, कुछ भी नहीं जेलर साहब। भावना जी, इस केस को हाथ में लेकर आप अपना नाम और वक्त दोनों खराब कर रही हैं। आप ठीक कहते हैं जेलर साहब। वैसे लाला के पिछले केस की फाइल आपके पास जरूर होगी? हाँ है, रिकॉर्ड रूम में है, आप देखना चाहती हैं क्या? अगर आपको तकलीफ ना हो तो। अच्छा, इसमें तकलीफ की कौन सी बात है, मैं खुद ला कर देता हूँ। ओह शुक्रिया जी। बड़े बड़े जलील और बेशरम देखे हैं, लेकिन तुम शायद। मैं शायद उन सबसे ज्यादा जलील हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी वकील हूँ ना। चली जाओ यहाँ से बदसात, दफा हो जाओ वरना। वरना क्या क्या करोगे? अगर एक बार मेरे मुंह पर थूकने से तुम्हारे अंदर का जहर कम नहीं हुआ तो लो मेरे दूसरे कान पर भी थूक दो। देखते क्या हो लाला, थूको। लेकिन एक बात याद रखना कि आज मैं उस वक्त तक यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक तुम जुबान नहीं खोलोगे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम बेगुनाह हो। बोलो लाला, छोटू ने तुम पर छुरे से वार क्यों किया था? लाला, अगर तुम खामोश रहकर फांसी पे चढ़ गए तो ये खुदकुशी होगी, और हराम मौत मरना तुम्हारे मजहब में सबसे बड़ा गुनाह लाला, सबसे बड़ा गुनाह है। बोलो लाला, सच क्या है लाला, बोलो। वकील साहिबा, अगर आप सच जानना चाहती हैं तो सुनिए, मेरी पुरानी सजा खत्म होने वाली ही थी कि पुराने जेलर का तबादला हो गया और नया जेलर यूसुफ खान उसकी जगह पर आ गया, और पहले ही दिन जब वो बयाने पर निकला तो उसके साथ छोटू भी था। ये बहादुर सिंह साहब ट्रक में पीला माल ले जाता था, 10 साल 7 साल बाकी। और ये अंतोनी साहब, इसका 10-12 दारू का अड्डा था, एक दिन गर्दी जाती हो गया, माल में काल मिला डाला, 10-12 उद्रिश खल्लास, 6 साल 4 साल बाकी। और ये अकबर लाला, अपनी बीवी को खल्लास किया। एक दिन लाला शाम के बजाय दोपहर को घर आ गया, उसका बीवी किसी और के साथ दाव पेच करता था साहब, पठान का बच्चा से बर्दाश्त नहीं हुआ, हमला किया, आदमी तो भाग गया, अपनी बीवी को चीर के खुद पुलिस स्टेशन आ गया, 14 साल, छूटने में सिर्फ 2 महीना। कबीर की औलाद, अरे बहुत ताकत है मुझे, अरे रुक जा हराम सारे, आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गार्ड, पकड़ लो इस हरामजादे को। दरवाजा खोल हरामजादे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। साहब, लगता है पुराना हिसाब किताब है। आराम ज्यादा कुत्ता, मेरी पूरी कोशिश के बावजूद फांसी से बच गया। आप उनको ऑर्डर करो साहब, आप उन साले का 1 मिनट में खटिया खड़ा करता है क्या? तुम क्या करोगे? आप उनको छोटा मत समझो साहब, आप उनका नाम छोटू उस्ताद है क्या? आप खाली कफन का बंदोबस्त करके रखो, बाकी काम आप उनका है। क्या हाल है किंग कॉन्ग? भेड़ू, तुम्हारा बीवी बहुत खूबसूरत था क्या? बीवी का नाम मत ले हरामजादे। अरे नाम कौन लेता है, आपन तो खाली पूछता है उसके साथ बिस्तर में कौन सोएला था। हबीज की औलाद। भेड़ू, तू पावली कम है क्या, जो तेरा बीवी दूसरे के साथ हेरा फेरी करता था।
इसीलिए वो दूसरे के साथ सोती थी। पावली का नाम मर्द साल अकबर लाला को छोटू का कत्ल करते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्योंकि 120 चश्मदीद गवाह अदालत में पेश हो चुके हैं और मुलजिम का यह कहना कि मकतूल ने उस पर हमला किया था। योर ऑनर, इस सिलसिले में मुझे एक छोटा सा नुक्ता आपके सामने पेश करना है। मकतूल छोटू इसी डील डॉल का आदमी था और मुलजिम का यह कहना कि उसने इन पर हमला किया महज एक मजाक सा लगता है। जैसे कि कोई एक हाथी कहे कि चूहे ने उसकी जान मारने की कोशिश। सर योर ऑनर, योर विटनेस मैडम। गुस्ताखी की माफी चाहती हूँ योना। मेरी इस हरकत का मतलब सिर्फ अदालत को जहनशी कराना था कि जब किसी हमलावर के हाथ में कोई हथियार हो तो उसका कदोबुद कोई मायने नहीं रखता। मुझ जैसी कमजोर औरत के हाथ में जैसे ये मामूली सा हथियार आ गया तो सरकारी वकील प्रताप नारायण जी जैसे सेहतमंद आदमी भी घबरा गए। बिल्कुल उसी तरह मकतूल छोटू ने जब मुलजिम पर हमला किया था तो उसके हाथ में भी एक हथियार था। ये झूठ है योर ऑनर, उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था। सरकारी वकील साहब तो ऐसे कह रहे जैसे वो वहां खुद मौजूद थे। योर ऑनर, मैं अदालत से दरख्वास्त करती हूँ कि इस नुक्ते पर रोशनी डालने के लिए जेलर यूसुफ खान साहब को एक बार फिर अदालत में हाजिर किया जाए। हाँ तो जेलर साहब, आप अदालत को बताएंगे कि छोटू के हाथ में कौन सा हथियार था। छोटू के हाथ में मरते वक्त कोई हथियार? झूठ बोलते हैं आप। उसके हाथ में हथियार था जिसे उसने मुलजिम पर कातिलाना हमला किया था और वो हथियार है ये चाकू। ये चाकू उनके पास कहां से आया? This point to be noted, Your Honor. Your Honor, इन 120 गवाहों में से किसी ने भी ऐसे चाकू का जिक्र नहीं किया है जो ये मोहतरमा कर रही है। Exactly, Your Honor. इन तमाम गवाहों ने सच कहा था मगर आधा सच, और इसकी वजह है जेलर साहब का डर। ये जेलर यूसुफ खान साहब वही शख्स है जिनके लाला के मरहूम बीवी के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। ऑर्डर, ऑर्डर। योर ऑनर, जेलर साहब अकबर लाला को हर हालत में फांसी के तख्ते पर देखना चाहते थे। इनके दिल में लाला के लिए नफरत के साथ साथ डर भी था, क्योंकि जो आदमी अपनी बीवी को मौत की सजा दे सकता है वो छुटने पर इनकी गर्दन पर हाथ भी डाल सकता था। लिहाजा इन्होंने अपनी चाल चली और छोटू को लाला के पीछे लगा दिया। अगर लाला मर जाता तो जेलर साहब उसी रात को जश्न मना लेते। अब छोटू मर गया तो लाला को फांसी लगवाकर ही जश्न मनाने की सोच रहे होंगे।
जैसा कि अदालत जानती है कि दफा 303 के तहत अगर कोई मुजरिम कत्ल की सजा के दौरान एक और कत्ल कर दे तो उसकी सजा सिर्फ फांसी है, यहां तक कि मसी अपील भी नहीं हो सकती। योराना, अकबर लाला जैसे 5 वक्त के नमाजी को कातिल बनाना इन्हीं का कारनामा है। योराना, मैं अदालत से पूछती हूँ कि पेशे में ईमानदारी की कसम खाने के बाद कब तक बेईमानी का सहारा लिया जाता रहेगा? कब तक कानून के मुहाफिज कानून के मुंह पर काले पोतते रहेंगे और कब तक बेगुनाह लोगों की गर्दन के नाप के फंदे तैयार किए जाते रहेंगे? कब तक योराना, आखिर कब तक? And that's all, Your Honor. अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मकतूल छोटू का खून मुलजिम के हाथों अपने बचाव के सिलसिले में हुआ है, लिहाजा अदालत अकबर लाला को छोटू के कत्ल के इल्जाम से बाइज्जत बरी करती है और जेलर यूसुफ खान को हिरासत में लेकर जुडिशियल इंक्वायरी का हुक्म देती है। वकील साहब, मैंने आपसे बहुत गुस्ताखी की है, मुझे माफ कर देना, वरना मेरा खुदा भी मुझे कभी माफ नहीं करेगा। आज से मेरी जिंदगी आपकी अमानत है। हाँ वकील साहिबा, बताने पर लाला अपनी जिंदगी आप पर कुर्बान कर देगा। ये एक सच्चे मुसलमान का कौल है वकील साहिबा। बहुत खुश हो, थोड़ा सुरू लो। जय भोलेनाथ। भोलेनाथ जी, मैंने अपने 4 जन्म इनके साथ बांध दिया। कितने जन्म? 14 जन्म। 14? हाँ 14 जन्म। हाँ, ये आप जरूर अपने डायरी में नोट कीजिएगा। हाँ, भूलना मत, भूलना मत। हाँ भूलना मत। मैं चलती हूँ। जय भोलेनाथ। जय जय रवि। बोलो जय बोलो, बोलो जय जय भोलेनाथ। बोलो जय बोलो, बोलो जय जय भोलेनाथ। हम बोले तुम बम बोले। नजरिया तीर चलाए, कमरिया चावल खाए, जवानी जब भी आए किसी को यार बनाए, जवानी जब भी आए किसी को यार बनाए। नजरिया तीर चलाए, कमरिया चावल खाए, जवानी जब
भी आए किसी को यार बनाए, ये जिसको यार बनाए उसी का साथ निभाए। ओए ललुआ जरा लचके से हो हमारा मेल जरूरी है, करके धरती पर हर एक नदियां अधूरी है। नजरिया तीर चलाए कमरिया चावल खाए, जवानी जब भी आए किसी को यार बनाए, ये किसको यार बनाए उसी का साथ निभाए। आग उड़ाता है तुम्हारा रूप नदी जैसा, सुलगती प्यास जगाता है, नजरिया तीर चलाए कमरिया सौबल खाए, जवानी जब भी आए किसी को यार बनाए, जवानी जब भी आए किसी को यार बनाए, जवानी जब भी आए किसी को यार बनाए, ये किसको यार बनाए उसी का साथ निभाए, ये किसको यार बनाए उसी का साथ निभाए। बोले तुम तो बिल्कुल ही आउट हो गए थे। तुम वो मिस भावना भरद्वाज, तुम यहाँ खाना खाने आए हो या लड़कियाँ ताकने? वो लड़की नहीं है, वो तो इंडिया की बहुत मशहूर वकील है और उसकी तस्वीर तो आज सारे अखबारों में छपी है। तो उसकी तरफ आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो? घर चल के अखबार देख लेना। चलो खाना खाओ, ये लो हड्डी चबाओ। भावना जी हेलो, मैं रशिदा हूँ। हेलो भावना जी, मुझे हरीश कहते हैं। अच्छा, कंग्रेचुलेशन। अरे रातों रात तुम तो झांसी की रानी हो गई हो। खुशकिस्मत मोतिया वाली सरकार, क्या तो भी पटका मारिया, प्रताप नारायण ने तुझे बांसुरी बजा दी थी। भावना जी सारिया सब भावना थोड़े नाल, पर जल्दी ना मेरा हाथ मिला लो। हेलो तुसी की चीज, मैं थोड़ा प्राण, मैं थोड़ी बजाई, तूडा ही कर टूटिया हाथ ही छे। मैं भी उससे हाथ मिलाकर आता हूँ। तुम बैठो यहाँ, हाथ मिलाने का इतना ही शौक है तो मुझसे पंजा लड़ा लो। यहाँ तो बैठना ही मुश्किल हो गया। अच्छा एक मिनट रुको, मैं कोई इंतजाम करके आता हूँ। गुड इवनिंग सर। हाय बजरंग। हाय बजरंग। हाय बजरंग। ऐसा लगता है ना बद्दू, आज अखबार में जो वकील लड़की का फोटो छपा है वो तो प्रताप नारायण जैसी चोटी के वकील को पछाड़ दिए थे। बहुत समझदार लागत है। तो क्या है दद्दू, देवी चाचा की उम्र हो गई है, हम सोचत रहे अब उनका रिटायर कर दो तो अच्छा है। नहीं बाबा,
हमारे संगठन में एक बार आने के बाद कोई जीते जी रिटायर नहीं हो सकता है। और एक बात और, एक खूबसूरत जवान औरत की अपने संगठन में शामिल करना भूसे के ढेर में चिंगारी फेंकने के बराबर है। बबुआ एक बात अपने गिरह में बांध लियो, ये संसार में हर बड़े आदमी की बर्बादी के पीछे हमेशा कौन न कौन औरत का हाथ रहा है। दद्दू शायद ये भूल गए, हर बड़े आदमी की तरक्की के पीछे कौनो ना कौनो औरत का ही हाथ होता है। लगता है बजरंग आज किसी खूबसूरत लड़की की जवानी पे मर मिटा है, इसीलिए उसे अपनी गोद में बिठाने से पहले आपकी गद्दी पे बिठाना चाहता है। फूल पसंद आया ब्यूटीफुल? तुम अंदर किसकी इजाजत से आए? बबुआ को कहीं आने जाने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये मेरा घर है मिस्टर, और यहाँ आने के लिए परमिशन की जरूरत है। और आपके दिल में आने के लिए? ओह शट अप। ओह ब्यूटीफुल, बबुआ को हुक्म सुनने की नहीं हुक्म देने की आदत है। सुनो मिस्टर, आप जिंदगी भर बोलती रहिएगा, हम सुनते रहेंगे, लेकिन इस वक्त अब हमारी सुनिए। आप हमारी वकील बन जाइए, हमारे साथ काम कीजिए, हम अपनी बेपनाह दौलत से आपकी किस्मत बदल देंगे। ठोकर मारती है तुम्हारी इस गंदी दौलत पर। टेक योर फिल्थी रिचेस एंड गेट आउट। जाने से पहले एक बात सुन लीजिए, बबुआ ने जिंदगी में जो कुछ भी चाहा है उसे हासिल किया है, और आपको तो हमने दिलो जान से चाहा है। जल्दी किस्मत की, फिर मिलेंगे। टेलीग्राम आया। हाँ हाँ, थैंक यू। अरे आप नाश्ता लगा दिया है बाबू जी, जल्दी से सामान बांधो, बाबू जी तबीयत खराब है। बाबू जी कैसे? डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, बार बार आंखें खोलते हैं, बार बार आपको पूछते हैं। रवि तू आ गया बेटे, कल्पना कहाँ है? मैं यहाँ हूँ अंकल। बेटे कल्पना बड़ी सुशील लड़की है। मैं जानता हूँ बाबूजी, आप आराम कीजिए। बेटा समय नहीं है, मैंने अपने दोस्त रघुनाथ को वचन दिया था कि उसकी प्यारी बेटी की सारी जिम्मेदारी मुझ पर होगी। मैंने इसे पढ़ा लिखा कर बड़ा तो कर दिया है, अब इसकी शादी बातें बाद में कर लेंगे बाबूजी। बेटे मेरी अंतिम इच्छा है कि तुम कल्पना को ब्याह लो। लेकिन बाबूजी, अब और कुछ मत बोल बेटा। मेरी कल्पना, मैंने तुम्हारे बाप को जो वचन दिया था वो आज पूरा कर दिया, अब तुम इसकी पत्नी हो गई और ये तुम्हारा पति। इस गांठ को हवन कुंड की गांठ से भी ज्यादा मजबूत समझना बेटा, इसका इस दुनिया में कोई नहीं है, इसको अपने साथ ही लेकर जाना बेटा। हे राम हे राम। बाबूजी, अंकल अंकल, आज की एक और कामयाबी पर मुबारकबाद। कौन? हुजूर एक ही तो है आपको दिलो जान से चाहने वाला। फूल पसंद आया ब्यूटीफुल? शट अप। एक मिनट रुकिए, साहब आ गए। साहब भावना मेरे साहब का फोन है। हेलो भावना, कैसी हो? हद कर दी तुमने रवि, कितने दिन लगा दिए, घर पे रहना, मैं अभी आ रही हूँ। नहीं भावना तुम मत आओ, मैं आता हूँ। ओफो जल्दी आओ फौरन से पेशतर। रामू रामू ये तुम्हारी मालकिन है, इन्हें घर दिखाओ, मैं अभी आता हूँ। ये भावना मेरे साहब कौन है? जी वकील है,
बहुत बड़ी वकील है, आपकी दोस्त है। अच्छा, स्वभाव की भी बहुत अच्छी है। लगता है तुम्हारे हिसाब से ज्यादा तुम्हें पसंद है। सोने को सोना ही कहेंगे मालकिन, पीतल तो नहीं कहेंगे। ठीक कह रहे हो तुम, घर देखें। बाबू जी की मौत के साथ रघुवीर ने मुझसे एक और मजाक किया। मतलब? मेरी शादी हो गई। कहते हैं झूठ है। नहीं भावना, ये सच है। मुझे भी बहुत अफसोस है, लेकिन मैं मजबूर था। कुछ मत बोलो, चले जाओ। भावना, मैं हमेशा हमेशा के लिए, बस भगवान के लिए चले जाओ यहाँ से, प्लीज चले जाओ। क्या बात है डॉक्टर, चुप क्यों हो? बोलो डॉक्टर, मुझे क्या बीमारी है? मैं मौत से नहीं डरती। बात मौत की नहीं है भावना, जिंदगी की है। तुम्हारी कोख में एक नई जिंदगी जन्म ले रही है। तुम मां बनने वाली हो। प्लीज डॉक्टर, प्लीज लीव मी अलोन। जो तुम्हारे लिए वरदान होना चाहिए था वो आज श्राप बन गया। भैया ये क्या कह रहे हो तुम? ये मेरे पहले प्यार की निशानी है। तुम्हारे प्यार की निशानी तुम्हारे लिए कलंक बन गई है। बहना, इस कलंक को जन्म मत दो। नहीं भैया, नहीं, नहीं। मैं उसे जन्म दूंगी, जरूर दूंगी भैया। मैं उसे अपनी गलती की सजा नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। फिर भी लोग उसके नाम के साथ एक गंदी गाली जोड़ देंगे। बहना, बहना तुझे जो फैसला करना है तू कर, लेकिन एक बार फिर विचार कर ले प्लीज। स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर की जरूरत है। मैं सोच रही हूं मैं वो नौकरी कर लूं। घर का अकेलापन काटने को दौड़ता है। आपकी क्या राय है? मेरी राय लेना जरूरी है क्या? आपका भी तो कोई अधिकार है मुझ पर। अगर आपकी मर्जी ना हो तो मैं सवेरे बात करना। तुम्हें भी सारी बातें रात को ही सोचती। मुझसे थोड़ी सी बात करना भी आपको बोझ लगता है? सुनो, मैं सोना चाहता हूँ। लाइट बजा दो और तुम भी सो जाओ। जब से यहाँ आई हूँ मैं सो ही तो रही हूँ। Oh, hell. तुम मुझे पागल कर दोगे। आ जाओ तो परेशानी, घर में आओ तो तुम्हारी बकबक। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, कहां जाऊं। और जब होश संभालने के बाद ये खुद अपने बाप का नाम पूछेगा तो इतिहास गवाह है के बाप के नाम के बगैर भी कई माओ ने अपने बच्चों को पाल पोस कर मसीहा बना दिया। मैंने कहा ना मुझे माइनों से तुम यही कह रहे हो। बताओ भावना कहाँ है? वरना मैं यहाँ हूँ। भावना, भावना महीनों से मैं भावना की तरह तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, कहाँ थी तुम? मेरे दिन का हिसाब मांगने वाले आप कौन है? क्या तुम
मुझसे पूछ रही? जी हाँ, आपसे पूछ रही हूँ मैं कि मेरे ऑफिस में एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर ये गुंडागर्दी क्यों कर रहा है? नहीं नहीं भावना, मैं यहाँ एक पुलिस ऑफिसर की तरह नहीं, मैं तो तुम्हारा अपना रवि बनकर। आप भूल रहे हैं रवि साहब, अपनेपन का वो रिश्ता आप बहुत पहले तोड़ चुके हैं और आज मैं वो कर्ज पूरा किए देती हूँ। ये नहीं आपकी चिट्ठियां जो आज तक आप मुझे लिखते रहे और जिन्हें मैंने खोलकर देखा भी नहीं। अब आप जा सकते हैं। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। जब कोई शरीफ लड़की किसी से बात करना ना चाहे तो आदमी की शराफत इसी में है कि वो जबरदस्ती ना करे। तुमने मेरा हाथ नहीं पकड़ा, शेर की दुम पर हाथ रखा। नहीं साहेब बहादुर, हमने हमेशा शेर को जबड़ों से पकड़ा है। ये मेरा ऑफिस है, मछली बाजार नहीं। अब आपको क्या चाहिए? ओ ब्यूटीफुल, हमारा नाम रवि मल्होत्रा नहीं बजरंग है। हमसे बदतमीजी करके भी तुम सही सलामत हो, इसका मतलब ये नहीं कि हम तुमसे या तुम्हारे कानून से डरते हैं, बल्कि इसलिए कि हमने टूट कर तुमसे प्यार किया है और जिस बुत का हम एक बार सजदा करते हैं उसे हम तोड़ते नहीं बल्कि अपने प्यार की गर्मी से पिघला देते हैं। ये बुत टूट जाएगा, कभी पिघलेगा नहीं, और आईना मेरे ऑफिस में कभी कदम मत रखना। आज के बाद हम नहीं, तुम मेरे दरवाजे पे आओगी। ब्यूटीफुल। मैं तो परेशान हो गई। क्यों, कौन परेशान कर रहा है तुम्हें? अरे वही भोलू के पिताजी। भला और कौन परेशान करेगा मुझे? शराब पीता है क्या? नहीं नहीं, शराब वराब नहीं पीता है, वो तो सब आपका रसिया है। अच्छा, मेरा तो अच्छे कपड़े पहनना ही मुश्किल हो गया अभी भी जी। वो क्यों? जब भी नहाए धोए के बढ़िया कपड़े पहनूं, मुरा और भवरे की तरह पीछे पीछे मंडराने लगे हैं। इन पतियों को अगर बस में करना हो ना दीदी जी, तो नहाए धोए के खुशबू लगाए लो। Yeah.
सर पता लग गया जैक कहाँ छिपा है। वही जो उस बच्ची को किडनैप करके ले गया था। जी तुम सब वहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। एक दिन एक खेलती हुई बच्ची मुझे दिखाई दी, बिल्कुल मेरी बेटी की तरह, वही मां सोमनाथ और वही सुंदर। मैं उसके पास आया, बस 5-6 मिनट में मैं उसके साथ इतना घुल मिल गया जैसे वो मेरी अपनी ही बेटी हो, मेरी अपनी ही बच्ची हो। मैं उसे सीने से लगाए चल पड़ा। सिस्टर कब रात बीती कब दिन बीते मुझे कुछ होश नहीं रहा। जब होश आया तब ने पुलिस दी। सिस्टर यार करना जुर्म है, ये मुझे मालूम नहीं था। सिस्टर मुझे मालूम नहीं था। तो बच्ची के माँ बाप को तुमने खबर क्यों नहीं दी? बच्ची मुझसे छीन जाएगी ये डर से। कसूर मनी क्या सिस्टर? आई एम सॉरी। और बच्ची को वापस करने के लिए तुमने 1,00,000 रुपए चिट्ठी में लिखकर मांगे? चिट्ठी सिस्टर मुझे अपना नाम लिखना नहीं आता। मैं चिट्ठी कैसे लिखूंगा सिस्टर? तुम सच कह रहे हो कि बच्ची को वापस करने के लिए तुमने कोई रुपए नहीं मांगे? नहीं। और उसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं था? सिस्टर मैं अपनी मरी हुई बच्ची का कसम खाकर कहता हूँ सिस्टर कि मैं बेकसूर हूँ सिस्टर। और कसूर है तो सिर्फ ये कि मैंने उस बच्ची को एक बार की निगाह से देखा है। मुझे बचा लो सिस्टर, अरे देखा बाप भी अपनी बेटी से प्यार करते हुए डरेगा। सिस्टर मुझे बचा लो सिस्टर, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो सिस्टर। जैक अगर तुम बेगुनाह हो तो मैं तुम्हें रिहा कराऊंगी। थैंक यू सिस्टर, सिस्टर गॉड ब्लेस यू। मैं अपने निजी काम से नहीं आया हूं। सुना आप जैक का केस लड़ने जा रही हैं? ठीक सुना है आपने। और उसे बचाने का इरादा भी है? किसी बेगुनाह को बचाना एक वकील का फर्ज है ऑफिसर। बेगुनाह और जैक, माय फुट, ये देखो रहीम राम दुर्जन भीमा, न जाने कितने नाम है उसके, और हर नाम के साथ एक भयानक जुर्म की कहानी जुड़ी हुई है। न जाने कितनी मासूम बच्चियों को किडनैप करके रेप करके उन्हें बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया उसने। लेकिन ये सब समझने के लिए एक मां का दिल चाहिए जिसने अपने कोख से बच्चा पैदा किया हो, और वो दिल तुम्हारे पास हो ही नहीं सकता। ये जलील इंसान आज तक पकड़ा नहीं गया था, और आज जब पूरे सबूत के साथ ये कानून के शिकंजे में आया तो आप इस दरिंदे को बचाना चाहती हैं? क्या यही आपका फर्ज बनता है? ठीक है, अगर यही आपका फर्ज बनता है तो शौक से इसे पूरा कीजिएगा। मिस्टर वर्मा जरा एक केस फाइल कर दो। हाँ। भैया मैं आपको ऑफिस में मिलूं। ठीक है। जैक परसों तुम्हारे केस की पहली तारीख है, यूं समझो कि परसों तक तुम आजाद हो जाओगे। थैंक यू सिस्टर। तुम्हारे दिल में बच्चों के लिए जो जगह है उसे रोकने के लिए ये लोहे की सलाखें नहीं होंगी। जरा ये वकालतनामे पे दस्तखत कर दो ताकि मैं मुकदमा लड़के तुम्हें आजाद करा सकूं। सिस्टर थैंक यू वेरी मच। जैक तुमने कहा था कि तुम पढ़ना लिखना नहीं जानते। हाँ? फिर ये क्या है? हाँ? सिस्टर ये तू ये चाहता था कि मैं तुझे रिहा कराऊं? अरे मासूम बच्चों के कातिल, मैं तुझे फांसी पे चढ़ा दूंगी। पकड़ कर सीधा कर आराम कर दो। मुझे झूठ बोलती है, मुझे झूठ बोला है, मुझे झूठ बोला है, मुझे झूठ बोला है, झूठ बोला है। मैं जान से मार लूंगा, इसको मैं जान से मार लूंगा। आई किला, आई किला।
ले जाओ उसे। चल चल चले चल चल। मुझे झूठ बोला है अबे, इसने मुझे झूठ बोला है। इस वकील की बच्ची ने मुझे झूठ बोला है। मेरी वकील बनके मुझे धोखा देती है। तो झूठ बोला इसमें जाके दस्तखत है उसकी लिखी चिट्ठी से लिखावट मिला लीजिएगा। मेरे ख्याल से जैक को सजा दिलाने के लिए ये सबूत काफी है। इसको मैं जान से मार लूंगा। अरे दादी, तूने जैक को धोखा दिया है। जैक तेरा खून चूस जाएगा। आई किल यू, आई किल यू, आई किल यू। उफ़ो, सदियों का मेल जमा कर रखा है। मालती, टीवी भी जी, ये सांप की सूट धूप में रख दो। ये कंबल, ये भी ले जाओ। भावना भरद्वाज, मेरी अपनी धारणा, कभी कभी हालात जिंदगी को ऐसे मोड़ पर ले आते हैं जहां चाहते हुए भी आदमी कुछ नहीं कर सकता। मेरी शादी भी ऐसी एक मजबूरी थी, लेकिन हकीकत तो यह है कि तुम ही मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। तुम्हारा अपना रवि। रामो, एक चाय लाओ। रामो कहाँ मर गया? मेरे हाथ लगाने से चाय का स्वाद नहीं बदल जाएगा। आजकल कुछ ज्यादा बोलने लगी हो तुम। अगर खामोशी इतनी ही पसंद थी तो किसी पत्थर की मूरत से शादी कर ली होती। तुम जानती हो ये शादी मेरे लिए एक मजबूरी थी। मजबूरी? ये कैसी मजबूरी है जो दूसरे की जिंदगी बर्बाद कर दे? क्या बर्बाद हो गई हो तुम? रहने के लिए मकान है, पहनने के लिए कपड़े हैं, नौकर चाकर हैं। क्या नहीं दिया मैंने तुम्हें? एक पत्नी को उसका पति नहीं दिया, बाकी तो सब कुछ दिया है। ये दीवारें हैं जो काटने को दौड़ती हैं, वो बिस्तर है जिस पे लेटते ही कांटे चुभने लगते हैं। फूल तो मेरे बिस्तर पर भी नहीं है कल्पना। ठीक कहते हैं आप, मेरे और आपके दरमियान और है ही क्या? एक ऐसा जज्बा जो न दोस्त है न दुश्मन, एक ऐसा कारवां जो गुजर तो चुका है लेकिन अब तक हम दोनों को अपने गुबार में लपेटे हुए है। मैं पूछती हूँ, मैं इतनी ही नापसंद थी तो पिताजी से इनकार क्यों नहीं कर दिया? मुझे सात फेरे देकर ले आए और घर में एक शोपीस की तरह से सजा दिया। मेरे भी कुछ अरमान है, कुछ सपने हैं। तो वक्त की रोटी तो जानवर को भी मिल जाती है। आप मर्दों का क्या, कहीं भी जाकर मुंह मार सकते हैं, लेकिन एक पत्नी जो अपनी सिंदूर की सीमा तक ही सीमित है, अगर उसे अपना पति ना मिले तो वो कहां जाए, क्या करे? कल्पना, मुझे दोष मत दो। हालात ने मुझे जहां डाल दिया है मैं उसे किस्मत समझकर भुगत रहा हूं। हालात का बहाना मत कीजिए, आपने मेरे साथ धोखा किया है। मतलब? मतलब ये, आपका पहला और आखिरी प्यार। एक बात याद रखिए, औरत सब कुछ सह सकती है,
अपने मंगलसूत्र का अपमान नहीं सह सकती, नहीं सह सकती। मिसेस कल्पना मल्होत्रा। यस, मैं अपने पति को तलाक देना चाहती हूँ। तलाक? देखिए मिसेस मल्होत्रा, तलाक हमारी भारतीय सभ्यता से मेल नहीं खाता। मेरी राय है कि आप एक बार फिर ठंडे दिल से सोचिए, अपने पति को समझाने की कोशिश कीजिए। मगर जो आदमी पहले ही किसी दूसरी औरत की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल चुका हो, उसकी शादी के करसे तक जिसकी पत्नी अपनी सुहागरात मनाने का इंतजार कर रही हो, उस आदमी को कहां से समझाया जा सकता है? ओ, तो बात यहां तक बढ़ चुकी है। मिसेस मल्होत्रा, अगर आप उस लड़की को जानती हैं, तो मेरा ख्याल है कि आपको उससे मिलना चाहिए। अगर उस लड़की में जरा से भी गैरत है तो वह खुद ब खुद आपके रास्ते से हट जाएगी। मेरा तो ख्याल है कि जो लड़की एक शादीशुदा आदमी की रखेल बनकर रहना गवारा करे, उसमें कहां की गैरत होगी। फिर भी एक बार मिलने में हर्ज क्या है? हाँ, अगर आप उसे मिलना ना चाहती हो तो उसका पता मुझे दे दीजिए, मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, आप नोट कीजिए, मिस भावना भरद्वाज, एडवोकेट। जी, आपके पति का नाम? मिस्टर रवि मल्होत्रा, सीबीआई ऑफिसर। क्यों चुप क्यों हो गए वकील साहिबा? बोलिए, है कोई गैरत बाकी आप में? क्या आपकी भारतीय सभ्यता इस बात की इजाजत देती है कि एक शादीशुदा आदमी की रखेल बनकर उसके ब्याह तक हाथ छीना जाए, एक पति पत्नी के जीवन में जहर घोला जाए? इसका जवाब मैं देता हूँ मिसेज कल्पना मल्होत्रा, आपकी जिंदगी में जहर मिस भावना ने नहीं खोला, बल्कि आपके पति महाशय ने खुद इनकी जिंदगी में जहर भर दिया। भारतीय सभ्यता को चूल्हे में डालने वाले हैं आपके पति, जो जिंदगी में ना तो अच्छे प्रेमी बन सके ना ही पति। भैया चुप रहो। जानना चाहती है, जानना चाहती है प्यार में क्या मिला इस बेचारी को? भैया, मेरे ज्यादती मामले में दखल देने का तुम्हें कोई हक नहीं है। निकल जाओ यहाँ से, आज दिन निकल जाओ। इनकी गुस्ताखी के लिए मैं माफी चाहती हूँ। मैं अपनी सफाई के लिए किसी वकालत का सहारा नहीं लूंगी। आप यकीन करें या ना करें, यह सच है कि आपके पति के साथ उनकी शादी के बाद हम दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं रहा। आज मैं आपको वचन देती हूं कि मुझ पर कुछ भी बीत जाए, मैं आप दोनों की जिंदगी में कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। मुझे माफ कर दो भैया, तुम्हें थप्पड़ मारने का मुझे कोई हक नहीं था। क्या करूं, मां बाप का साया तो पहले ही उठ चुका था, फिर मेरा प्यार छीन गया, और आज जब तुम मुन्ने की बात करने लगे तो मैं पागल सी हो गई। मुझे थप्पड़ का गम नहीं मेरी बहना, मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि और कितने जख्म झेलोगे अपने कलेजे पर? अब मैं किसी के साथ वास्ता नहीं रखूंगी, मेरे पास मेरे जीने का सहारा है मेरा मुन्ना। जब से तुम हो मेरी निगाहों में, जब से तुम हो मेरी निगाहों में, सारी दुनिया है मेरी बाहों में, सारी दुनिया है मेरी बाहों में, प्यार उतरा आसमानों से, प्यार उतरा है आसमानों से।
माँ जी माफ करना, मैं मजबूर था। जहर इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि मुझे मजबूरन आपकी बच्ची के हाथ पैर काटने पड़े। आप चाहें तो उससे मिल सकती हैं। काहे मेरी बच्ची? हे भगवान, ये क्या कर दिया मेरी चंपा को? मेरी चंपा को क्या हो गया? नहीं चंपा, मैं तुम्हें ऐसी मजबूरी की मौत नहीं मरने दूंगी। भैया पता लगाइए इस कंस्ट्रक्शन कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ है। मेरा महबूब ही बनकर मेरा मेहमान आया है। आओ आओ ब्यूटीफुल, आओ, वेलकम। तुम इस कंपनी के मालिक हो? जी हाँ, इस कंपनी का मालिक तो जरूर हूं, मगर आज आपका गुलाम। देखिए मिस्टर बच्चन, बड़ी मुद्दत से इंतजार था इस घड़ी का, लेकिन कमबख्त दिल ने आज ही धोखा दे दिया। सच मानिए, अगर आपके आने की खबर पहले दी होती तो शहर के सब खिले हुए फूल आपके कदमों में होते। और हर फूल एक मजबूर बेसहारा लड़की के खून से रंगा होता मिस्टर बजरंग। मतलब? आपके कंपनी के घटिया मटेरियल इस्तेमाल करने के बाद जो बिल्डिंग गिरी है उसमें दबकर एक मजदूर लड़की जिंदगी भर के लिए अपनी मजदूरी करने वाले हाथ पैर खो चुकी है। इसलिए आपको हर जाने के तौर पर उस लड़की को मुआवजा देना होगा। किसी के दबाव में आकर किसी को कुछ दे देना हमारे उसूलों के खिलाफ है ब्यूरो। हाँ, हम अपनी तमाम दौलत आप पर निछावर करने के लिए तैयार हैं। मिस्टर बजरंग, आपकी दौलत आपको मुबारक हो, इसे आप अपनी काली करतूतों पर पर्दा डालने के लिए बचाए रखे। मुझे तो सिर्फ इतना बता दीजिए कि आप हर जाना यहां अदा करेंगे या अदालत में। ब्यूटिफुल, अदालत भी वही फैसला करेगी जो हम चाहेंगे। ओह, शायद आप भूल रहे हैं मिस्टर बजरंग, ये आजाद भारत की अदालतें हैं। यहां इंसाफ को कभी कभी गुमराह तो किया जा सकता है, खरीदा नहीं जा सकता। ये तुम्हारा चैलेंज है ब्यूटिफुल? जी हां मिस्टर बजरंग। अगर ये मुकदमा तुम जीत गई तो सबसे ज्यादा खुशी हमें होगी। गुड लक। बोलो बजरंग। ओके चाचा, एक नया मुकदमा खड़ा हुआ है जिसे हर हालत में जीतना है। आप फौरन आ जाइए। तमाम हालात और वाकयात को मद्देनजर रखते हुए अदालत हुक्म देती है कि मुआवजे की ये रकम 3 दिन के अंदर अदा कर दी जाए। कौन? बबुआ नाम है। ओ, क्या लेने आए हैं आप? हमने हमेशा तुम्हारी जीत को फूलों से महकाया है और आज भी वही। शुक्रिया, लेकिन शायद आप भूल रहे हैं कि आज मेरी जीत में आपकी हार शामिल है। शायद तुम जानती नहीं, हम सिर्फ अपनी जीत ही नहीं अपनी हार का भी जश्न मनाते हैं। क्या अब आपको यह भी याद दिलाना होगा कि आप मेरे घर में बिन बुलाए मेहमान हैं? शायद तुम्हें मालूम नहीं, हम सिर्फ तुम्हारे घर तक ही नहीं तुम्हारे दिल तक भी पहुंचने का इरादा रखते हैं। शट अप, तमीज से बात करो। बस अब हम चलते हैं बाकी अगली मुलाकात में, और इस मुलाकात को यादगार बनाने के लिए हम अपना टेलीफोन नंबर छोड़े जाते हैं। अगर कभी इस नाचिस की जरूरत महसूस हो तो याद कर लेना 222221। यह नंबर डायरेक्टरी में नहीं मिलेगा। गुड बाय। ब्यूटीफुल, अपने आप को बड़ा 30 माह खास समझते थे। अरे एक लड़की से पछाड़ खाकर अभी तक जिंदा हो? जाओ चुल्लू भर पानी में जाकर डूब मारो। बजरंग, मैं उम्र में तुमसे बहुत बड़ा हूं इसलिए तुम्हारा लिहाज करता हूं, तुम उसका नाजायज फायदा मत। जाओ घर में जाकर आराम करो, मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। वकील चाचा, जरूरत है या नहीं, यहां हुक्म दादू का चलता है और दादू अभी जिंदा है। दद्दू को मैं समझा दूंगा, तुमने जानबूझकर मुझे शिकस्त दिलाई, उस लड़की की नजरों में मुझे जलील किया। नाउ आउट, गेट आउट फ्रॉम हियर। बजरंग, तुम गुस्ताखी कर रहे हो, उस लड़की ने तुम्हें दीवाना बना दिया है। तुम दद्दू की नजरों में मुझे गिराकर उस लड़की को मेरी जगह लाना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हारी ये चाल कामयाब नहीं होने दूंगा। ए बुढ़ाओ,
अगर तू हमने शिकायत लेकर दद्दू के पास कहे तो हम तो का जिंदा नहीं छोड़ा, समझो? उजागर सिंह। अरे वकील बाबू, पाल लागी। जीते रहो, आओ बैठो मेरे साथ। चाचा सेवा तो आप लोगों की जिंदगी भर करनी है, यार अपनी बीवी बच्ची से तो मिलने। उन्हीं से मिलाने तो ले चल रहा हूं तुम्हें, आओ बैठो। और चाचा सब कैसा है? चलो ड्राइवर। हमारी शांति को क्या हो गया चाचा? चाचा मेरी शांति पागल कैसे हो गई? मेरी शांति पागल कैसे हो गई चाचा? मेरी शांति। उजागर, सब इससे काम लो, अपने ऊपर काबू रखो। जब तुम सरकारी गवाह बने तो बजरंग ने जबरदस्ती तुम्हारी बीवी और बेटी को अपने काबू में लेना चाहा। छीना झपटी में तुम्हारी बच्ची बीच में आ गई और अपनी जान से हाथ धो बैठी। कल दद्दू और बजरंग हमेशा की तरह बजरंग के बाप की समाधि पर जाएंगे और तुम रास्ते में उनका इंतजार करोगे। वकील साहब, फकीरों में बांटने के लिए 100-100 के नोट अलग रख लिए ना? जी दद्दू। हे बाबा, तू काहे उदास बैठा है रे? आज का दिन माई बाप की बहुत याद आवत है दद्दू। अरे हमरे दिल से पूछ, हम कैसे कलेजे पे पत्थर रख के बैठे हैं। अरे तू सबका है बेटा, कल दद्दू नहीं होगा तो क्या करेगा? ऐसा मत बोल दद्दू। दद्दू गाड़ी रोको। संसार में कुछ सांप आस्तीन में हाथ बन के रहते हैं, उनसे चौकन्ना रहना। जो बहुत मीठा बोलते हैं वो अक्सर जहर उगलते हैं, उनसे बच। दद्दू, दद्दू, जीवन में
बजरंग, ऐसा भी कौन सा जरूरी काम था जो तुमने दद्दू की चिता की आग ठंडी होने का इंतजार नहीं किया? दद्दू कहा करते थे, कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो चिता की आग ठंडी हो जाने से पहले निपटाए जाने चाहिए। बेटे, मैं कुछ समझा नहीं। इसीलिए तो यहां लाया हूं। उस दिन जब उजागर जेल से छूटा तो जेल के बाहर तुम्हारी गाड़ी मौजूद थी, है ना? उसके बाद उस गाड़ी को उस पागल खाने के बाहर भी देखा गया जहां उजागर की पत्नी। बेटे तुम, मैं वो, शायद तुम उजागर को यह बताने गए थे कि उसकी गिरफ्तारी के सदमे से उसकी पत्नी पागल हो गई थी और उसी पागलपन में उसने अपनी मासूम बेटी का गला घोंट दिया। हाँ हाँ बजरंग, मैंने उसे सब कुछ सच सच बता दिया था। और उसी खुशी में उजागर ने मुझ पर वो गोली चलाई जिसका निशाना दद्दू बने। इसीलिए मैंने उसी वक्त उस हरामजादे को गोली मार दी, है ना? लेकिन चाचा, तुम तो हमेशा कहा करते थे कि तुम अपने दुश्मनों को तमंचों से नहीं अपने दिमाग की मार मारते हो। फिर उजागर को मारने के लिए तुम्हें पिस्तौल का इस्तेमाल क्यों करना पड़ा? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि गोली चलाने वाले हाथ उजागर के जरूर थे, लेकिन स्कीम तुम्हारे दिमाग की पैदावार थी और अब तुम इस धरती पर बोझ बन गए। मैं आपके लिए दूध लेके आता हूँ। अच्छा। आप इधर बैठ के टीवी देखो। एक आवश्यक सूचना सुनिए। जैक नाम का एक खतरनाक मुजरिम जो मासूम बच्चों को उठाकर ले जाया करता था और उन्हें बड़ी निर्ममता से मार डाला करता था, कल रात जेल तोड़कर भाग गया। ये है उसकी तस्वीर। अगर किसी को दिखाई दे या पता चले तो फौरन पुलिस को खबर दें। टेलीफोन नंबर 2929। मुन्ना। हेलो मम्मी। आप दूधी के सो जाइए, आज मम्मी देर से आएगी। हाँ, हम दूध भी नहीं पियेंगे, सोएंगे भी नहीं। नहीं मुन्ना, जिद नहीं करते, आप सो जाइए, मम्मी देर से आएगी ना। मुन्ना प्लीज। मुन्ना, मुन्ना तुम्हारे ये दूध। बिहारी भैया, कौन है वहाँ पे? बोल दो क्यों नहीं मुन्ना? बिहारी भैया, मुन्ना मेरे पास है। कौन? जैक? मैं चाहूंगी अपने पाप को। नहीं नहीं, सुनो जैक, मेरा मुन्ना कल सुबह रास्ते के टेबल पे तुम्हारे बच्चे के भूने हुए टुकड़े तुम्हें भेज दूंगा। मेरे पास जो कुछ भी है मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा मुन्ना, मेरा मुन्ना। हेलो, आज मैं आपको वचन देती हूँ, मैं आप दोनों की जिंदगी में कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। हेलो हेलो, किसका फोन था?
पता नहीं, कोई बोला नहीं। भगवान क्या करूं मेरा मुल्ला मैं वापस कर दो, मेरा मुल्ला वापस कर दो। मेरा मुन्ना तुम्हारा बच्चा? हाँ, इसका कोई सवाल मत पूछना, सिर्फ मेरा मुन्ना को बचा लो, नहीं तो सुमेधा को उसे मार डालेगा सुमेधा को उसे मार डालेगा। भावना, होश में आ, भावना होश में आ। कौन उठा कर लेगा तुम्हारे बच्चे को? जैक। अभी तक जैक नहीं मिला, एक घंटे से झक मारो। हराम कर जैक चाहिए जल्दी। मुझे जैक चाहिए जिंदा। दो घंटे से ज्यादा वक्त लग गया ना, तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे। जैक को जानते हो? जैक वो तो जेल में बंद है। वो जेल तोड़कर भाग गया है। मुझे जैक का पता नहीं, जैक चाहिए फौरन। जैक वाला चोरी का माल खरीदता है ना, उसको मालूम है। मेरे को क्या मालूम? रॉबिन को मालूम आएगा, जैक का दोस्त। बता कहाँ रहता है वो? रॉबिन जैक की बहन का यार है। जैक की बहन है करंजी, पेरिस रोड की रंजी। जैक कहाँ है? तू कौन है? जैक कहाँ है? मेलिन को मालूम होगा रे। जैक की कहाँ है? इस शराब खाने में काम करती है। मेरे जैक के साथ शहर छोड़ के भाग जाने वाली है। जैक बोलो तुम। जैक कहाँ है? नहीं मालूम। और जैक कहाँ है? नहीं मालूम। चल गया बजरंग। कहाँ? मडलैंड कॉटेज नंबर 6। नहीं, कोई उस पर हाथ नहीं उठाएगा। मैं आ रहा हूं। पेट्रोल।
बेटे मुन्ना मुन्ना बजरंग 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 मुन्ने की जान की कीमत चुकाने आई हो। जिसम बाजार में बहुत बिकते हैं भावना, दौलत और ताकत और खरीद भी कह सकते हैं। मैंने तुम्हें खरीदने की नहीं, जीतने की कोशिश की है। तुमने मेरे दिल की वो धड़कन जगा दी जिससे मैं बेगाना हो गया था। धड़कन प्यार? तुम जैसे आदमी को इन सबसे क्या लेना। छोड़ो ये ढकोसलेबाजी, आओ आगे बढ़ो, क्योंकि तुम जैसे आदमी का इतना बड़ा एहसान अपने सर पर लेकर जीना नहीं चाहती है। आओ। बहुत नफरत करती हो ना मुझसे, बहुत नफरत करती हो, मुझे बहसी दरिंदा समझती हो, लेकिन तुम शायद भूल रही हो ब्यूटीफुल, ये कलयुग है और कलयुग की हर गली पाप की गली होती है। चारों तरफ सिर्फ नफरत ही नफरत है। या इंसान तो पैदा होता है लेकिन उसकी परवरिश शैतान की गोद में होती है, क्योंकि आज का भगवान है ताकत दौलत हैवानियत। इंसान तो मैं भी पैदा हुआ था, मेरे अंदर भी पैद ही धर्म था, लेकिन तुम्हारे इस दुनिया ने मुझे आज ये मुजरिम का चोला पहना दिया। आज भी मेरे अंदर झांक कर देखोगी ना तो एक मासूम भोला भला बबुआ मिलेगा। इसके कुल कायनात उसका बाप था, उसकी मां थी। तुम ना लाज शर्म ना ही रह गया है, पूरे गांव में छुछुआ फिरत है। अरे अब जवाब काहे नहीं देव, हम पूछत है काहे वो बसंतिया के पीछे उके दुम बना फिरत है, काहे बोलत नहीं। अरे बबुआ की माई, तोरा से शर्मात है ना? आए गैया उसे शर्मात है जौन इनका हो गई मुतई की सिखाई। बोल दे बबुआ, हिम्मत करके बोल दे। बोल दे हाँ हाँ, तो हर बात तोरा के साथ है। बसंती से हमारा लगन कराई दे। का? हाँ, बहुत स्नेह है हमका उसे। है तो बेचारा। अरे ठहरी काहे खातिर। आ, 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 अरे 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 बेटुआ बबुआ का भाई? अरे बबुआ बबुआ आंखें तो खोल बबुआ, बबुआ ये का भाई बबुआ? ले आंखी खोल दिया, अब तो हमारा लगन कराई दे। है जब बेचारा, अब हमें तो हर चोल बाजी है तो भाग के कहा जाता। कहा जमाना आएगा लड़का अपन शादी का बात खुद ही करे लागल माँ बाप से। बबुआ की सगाई किए तो इतने जोर का तूफान आई, जमनो दिन शादी किए तो जमीने फट पड़ी। अरे कौनो मिठाई विठाई का बंदोबस्त। अरे बबुआ देखा तो क्या है भाई? ना ना भाई। दद्दू, दद्दू, ए बाबू, ए बाबू, ए दद्दू आई कब आया? अरे बाबू, इतना बड़े के बच्चे जितना छोड़ बैठे, आज तो सेठ जितना बड़ा हुई कब आये? अबे अरे ना ही, हमारे पास बैठ।
होता तो दादा का दूसरा जन्म हुआ था, दूसरा जन्म नीचे कैसे बैठ सकते थे। अरे जल्दी आ रहे बापू, देख बापू। बापू लागे बापू, हमरा के छोड़ के कहाँ चल गए ले बापू, हम तोरा के कहाँ का नाह खोज ली। हम तो समझ के बापू कि हम जल्दी है ना, ना ही बेटा, हम तो लोगों के छोड़ के इतनी जल्दी कैसे जाएंगे। तो नहीं, अब तो खुशी का जमाना है हंसे का। अब हुआ अब बेटी आई लगी ससुर जी। अरे अरे बुढ़ापे के अंधेरे में जवानी का चांद निकल आया। अरे फिन बब्बू फिर का बहुत मुस्तंदा लोग लगा है, एक रपरपाई के मारा तो मुंह आ जाएगी गिरा, दूसरा हाथ एक गांठी हाथ मारा तो जाके उसका जबड़ा फिर गया। हम कहा बहुत जुल्म बर्दाश्त किया है तुम लोगों का, अब की ना इंसाफी करोगे तो आंख निकाल के गटर में फेंक दे। हाँ, हुई ना बात दद्दू, अब की कौन बात हुए तो कह दियो, हमारे बबुआ है गाँव में जो दिन शहर माई गवा। अरे आंख तो आंख दांतों निकाल ली। हाँ 15 साल बाद दद्दू घर लौटे थे, हमें क्या मालूम था दद्दू शहर में करते क्या थे, उनके दुश्मनों ने उनकी हत्या अपनी आंखों से देखने के बाद हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, चुन चुन कर उन कातिलों को खत्म करने के बाद एक किसान के बेटे ने हल छोड़कर हमेशा के लिए बंदूक उठा ली। अब बंदूक छोड़कर हल उठाने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे मेरी बसंती याद आ गई, पर कोई बाबू अपनी बसंती को खरीद नहीं सकता और ना ही उसे रुसवा कर सकता है। एक बात याद रखना, मैं तुम्हें जीतने की कोशिश करता रहा करता रहूंगा, और अगर जीत ना सका तो खुद को हार जाऊंगा। अपनी सफाई में मुझे कुछ और नहीं कहना। बच्चे का नाम? जी रोहित। बच्चे के पिता का नाम बोलिए। भावना जी, मैंने पूछा बच्चे के पिता का नाम क्या है? बजरंग। जी हाँ, बच्चे के पिता का नाम है बजरंग। लीजिए यहाँ साइन कर दीजिए। क्या सोच रही हो? भैया ठीक कहते थे, बाप का नाम ना हो तो बच्चे के नाम के साथ हमेशा एक गंदी गाली जोड़ दी जाती है। आज तुमने मेरे बेटे के नाम से वो गंदी गाली नोच कर अपना नाम लगा दिया है, ये तुम्हारा एक और एहसान है मुझ पर। प्यार में एहसान नाम की चीज नहीं होती है बाबा, ये सच है कि मैंने तुमसे टूट कर प्यार किया है, लेकिन इस प्यार का बदला मैंने तुमसे कभी मांगा नहीं भावना। मैं जानता हूं प्यार दिल से होता है, मजबूरी से नहीं, मजबूरी से सिर्फ सौदा होता है, और मुझे प्यार में सौदा मंजूर नहीं है भावना। बच्चन, तुमने अभी तक उस शख्स का नाम नहीं पूछा जिसकी यादों पर मैंने तुम्हारा प्यार कुर्बान कर दिया है। मेरे लिए इतना ही काफी है कि मुन्ना तुम्हारा बेटा है, तुमने उसे जन्म दिया है। प्यार ने तुम्हें बहुत महान बना दिया है बजरंग। अगर शास्त्रों के मुताबिक मेरे हिस्से में भी 7 जन्म लिखे हैं तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि अगले 6 जन्म में वो मुझे तुम्हारी दासी बनाए। इस जन्म में तो मैं तुम्हें प्यार तो नहीं दे सकती, तुम्हारी पूजा जरूर करूंगी, और आज मुझसे पूछो ना पूछो लेकिन मैं तुम्हें अपने बेटे के बाप का नाम जरूर बताऊंगी। मेरे पहले और आखिरी प्यार का नाम है रवि मल्होत्रा, CBI ऑफिसर।
टीचर। गुड मॉर्निंग टीचर। लेकिन देवीलाल, ये मैं कैसे यकीन कर लूं कि जो कुछ तुम कह रहे हो वो सच है? सर, मेरे बदन में जहर डल चुका है और मैं चंद घड़ियों का मेहमान हूं। बंबई से तुम्हें गोवा बुलाकर मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने तुम्हें बजरंग की ऑर्गेनाइजेशन के उस सारे राज दिए हैं जिससे तुम बजरंग को फांसी के फंदे तक पहुंचा सकते हो। वादा करो ऑफिसर कि तुम मरने वाले की ये आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी करोगे। बजरंग को फांसी दिलाओगे, फांसी। औरत चीज ऐसी होती है मेरे दोस्त, और बजरंग तो। क्या बात है? वो बजरंग, सबको ये शिकायत है कि आजकल तुम ऑर्गेनाइजेशन में कोई दिलचस्पी नहीं लेते, और वो भी एक लौंडिया की खातिर। खबरदार उसके बारे में कुछ कहा तो। नहीं 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 बजरंग, जाने दो, इसे बच्चा है। दरअसल बाबू ये कह रहा था कि बिजनेस और औरत दो अलग अलग चीजें हैं। बजरंग, आज से हम तुम्हें अपना चीफ मानने से इनकार कर, आज से हमारा चीफ शेषनाग। मैं खुद इस जिंदगी से तंग आ गया हूं। मेरे सर से कांटों का ताज उतारने का बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू। मगर इस जुर्म की दुनिया का ये उसूल आप ही का बनाया हुआ है कि यहां आने वाला कफन बांध कर आता है और कफन ओढ़ कर वापस जाता है। बच्चे, अपनी मां से कहना पांच मिर्चें जलाकर तेरी नजर उतार दे, वरना बजरंग की नजर जिस पे पड़ जाए वो जिंदा घर नहीं पहुंचता। हमारे सारे डिपर पुलिस ने छापे मार दिए, सारा माल पकड़ा गया और सभी आदमी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। यह काम किसी की गद्दारी के बगैर नहीं हो सकता, लेकिन सवाल यह है कि आखिर वो कौन हो सकता है? दादू और देवीलाल भी मर चुके हैं और हम सब लोग तो यहां मौजूद हैं। तुम लोग अब भी नहीं समझे, इसका मतलब है बजरंग। मुझे बजरंग चाहिए, जिंदा या मुर्दा, समझे? सर, खबर मिली है कि बजरंग आजकल भावना भारद्वाज के यहां आते जाते देखा गया है। तुम पूरी फोर्स के साथ आओ, मैं वहीं जा रहा हूं। यहां क्यों रुके? यहां अपनी एक बहन रहती है, आज राखी है ना। अरे माधव, तू जानता है राखी का त्योहार क्या होता है? बहन अपने भाई के हाथ में एक धागा बांधती है और रूह से दुआ मांगती है, या परवरदिगार मेरे भाई की हिफाजत कर। और भाई, अबे इसकी औलाद, खून डालो इसे। कहा था ना, सच्चा मुसलमान जान हार सकता है। नहीं भैया, नहीं। कोई नहीं बहन। भैया, भैया, गंगा, बच्चे को लेकर आओ।
अंडर अरेस्ट। साहेब बहादुर, आज हमारा प्यार खतरे में है। हमारे सर पे आज खून सवार हो गया है। आज हमको रोक मत। ठहरो भजन, अब तुम कानून से नहीं बच पाओगे। ए साहेब बहादुर, आज तुम अपने कानून के सारे तोप खाने हमारे सीने पे खाली कर दो तो भी आज बबुआ को रोक नहीं पाओगे। रुक जाओ भजन। खतरा, खतरा, क्या जरूरत थी कानून जुर्म के बीच आने की? आप किस पे गोली चला रहे थे? उस पे जिसने आपके लजेज बच्चे को अपना नाम देकर समाज की नजर में ठेस फैला दिया, और जो अभी आपके की भावना को बचाने के लिए जा रहा है, उन दोनों की जान खतरे में है रवि। चलो चलो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। अम्मा, आओ बजरंग आओ। नहीं नहीं नहीं, पहले जरा अपने चारों ओर तो देख लो बजरंग। तुम्हारे ही सेवक, तुम्हारी सेवा के लिए हाथों में बंदूक लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शेषनाग, बच्चे और भावना को छोड़ दे। इस दो कौड़ी की लोंडिया को छोड़ दे। खामोश। एस हर राफा की खातिर तुम पुलिस के कुत्ते बन गए, जो एक पुलिस ऑफिसर के नाजायज बच्चे की माँ है। अपनी मौत को आवाज मत दे। मौत को तुमने आवाज दी है बजरंग, इस पुलिस की रखेल की खातिर। बन जाओ रामता। देखो
अच्छा हुआ जब तुम भी आ गए। खबरदार, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बजरंग का बेटा है और मैं इसकी मां हूं। मैं तुम्हें जीतने की कोशिश करता रहूंगा और अगर जीत न सका तो खुद को हार जाऊंगा। मैं तुम्हें जीतने की कोशिश करता रहूंगा और अगर जीत न सका तो खुद को हार जाऊंगा।